वेलकम टू फूडीफाई फूड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कुल्फी। उसके लिए हमें चाहिए इलायची, जायफल, फूले हुए बादाम, चीनी, आप अपने पसंद के हिसाब से बादाम को बिना फुलाए भी डाल सकते हैं, और भैंस का दूध। हमने यहाँ पे 2.5 लीटर दूध लिया है भैंस का। आपको भी भैंस का ही दूध लेना है जिससे कि अच्छी कुल्फी तैयार हो पाएगी। आपको दूध कंटिन्यूसली चलाते रहना है जिससे कि दूध जले ना। ये देखिए, थोड़े समय के बाद दूध गर्म हो के उसके ऊपर मलाई जम चुकी है। थोड़ा सा मलाई हम निकाल लेंगे, मलाई को ठंडा करके फ्रिज में डाल देंगे। ये देखिए, थोड़े समय के बाद दूध जो है वो लगभग 1/3 होने वाला है। ये देखिए, मलाई भी जम चुकी है और दूध जो है गाढ़ा हो चुका है, थोड़ा सुनहरा सा। तो आपको भी जो भी दूध ले रहे हैं आप, जितना भी ले रहे हैं आप दूध, उसका 1/3 करना पड़ेगा जिससे कि अच्छी गाढ़ी दूध तैयार होगी और अच्छा कुल्फी तैयार हो पाएगा। ये देखिए, आपको 1/3 करना है दूध को। ये देखिए, दूध पूरा उबल रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं। इस पॉइंट पे अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी, कटे हुए बादाम, इलायची पाउडर, हमने इलायची का पाउडर कर दिया था, आपको भी पाउडर करके डालना है, जायफल, जायफल आपको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही घिस के डालना है। अब हम सारी सामग्री को अच्छी तरीके से दूध में 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे जिससे कि अच्छा घुल के स्वाद हो जाए दूध का। ये देखिए, दूध जो है ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली हुई है। इसी तरीके से आपका भी दूध तैयार होना चाहिए कुल्फी के लिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। ये देखिए, परफेक्ट दूध तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। दूध को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। ये देखिए, हमने जो मलाई फ्रिज में रखी थी वो है, हमने दूध को मोल्ड में डाल दिया है। ये देखिए, आपको जो दूध है ना पूरा नहीं भरना है मोल्ड में, नहीं तो वो बाहर निकल के फैल जाता है। ये मलाई जो है आपको थोड़ी थोड़ी डाल देनी है ऊपर, जिससे कि अच्छा स्वाद आता है कुल्फी में। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, चलेगा। अब हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, इसलिए हमने बोला था ज़्यादा दूध नहीं डालना है। ये देखिए, नहीं निकला ना। अब ये पूरा बंद हो चुका है। अब हम इसे 1 रात के लिए फ्रिज में डाल देंगे। ये देखिए, जमने के बाद सबसे पहले कुल्फी के मोल्ड को पूरा पानी में डालना है। ये देखिए, 5 से 10 मिनट के बाद पानी में डालने के बाद अच्छी तरीके से कुल्फी निकल जाता है। ये देखिए, कुल्फी इस तरीके का हो चुका है पूरा तैयार, दानेदार सा। ये देखिए, ये देखिए हमारी कुल्फी है पूरी दानेदार सी। यह है हमारी मलाई कुल्फी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।